श्रीमद् भागवत कथा जो सप्तदिवसीय है, जिसको साप्ताहिकी कथा कहते हैं और जिसका विशिष्ट महत्व है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेद भागवतम च यः, आधा श्लोक, इस श्लोक का एक पाद या एक श्लोक पूरा भी यदि प्रतिदिन घर में पढ़ा जाए तो कहते नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूया स्वमेघयोः। राजसूय यज्ञ, जितने भी धरती के राजा थे, जब सबको जीत लिया जाता था या सब आधीनता स्वीकार कर लेते थे, तब इस यज्ञ को करने का महाराज प्रयत्न कोई भी राजा कर सकता था, जब सब जीत लिए जाए। श्री युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा। श्री सूरदास जी कहते हैं तो भगवान की अग्र पूजा हुई, पर भगवान ने किया क्या था, अग्र पूजनीय थे तो कहते हैं तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यह राजसूय यज्ञ नारायण नारायण और अश्वमेघ यज्ञ, जहां से घोड़ा निकल जाए वह पूरी पूरी भूमि उनकी आधीनता स्वीकार कर लेती है। ऐसे ऐसे यज्ञ महाराज, ऐसे यज्ञों के करने का जो फल होता है ना, वह श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक के श्रवण मात्र से होता है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्ध्यस्य विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रत्र सर्वमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री व्यास जी द्वारा रचित यह श्रीमद् भागवत, जिसका दिव्य मंगलाचरण आपने श्रवण किया, यह श्लोकार्धम श्लोक पादम, यह कानों से यदि यह सुने जाए वह भी महाराज बहुत फलदायी होते हैं। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हम उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा को, उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। धीमहि शब्द का प्रयोग किया, यह भागवत गायत्री है। सत्यम परम धीमहि, वे परब्रह्म परमात्मा रहते कहाँ हैं, तो कहते हैं धामना तेन सदा निरस्त कुहकम, जहां पर कपट नहीं है ऐसे स्थान पर जो निवास करते हैं। लेश मात्र भी कपट है तो भगवान के लिए वह जगह नहीं है। भगवान कहते भैया हमारे लिए जगह बनाओ हृदय। जहां कपट नहीं है वहां परमात्मा निवास करते हैं, वह धाम कौन सा है, बोले वैकुंठ धाम, जहां लेश मात्र भी कपट नहीं है। भगवान कहते हैं आपके हृदय को हम वैकुंठ बना लेंगे, बस उसमें से कपट निकाल दो तो आपका हृदय भी क्या हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा।
जहां परमात्मा सदा निवास करेंगे। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। बैकुंठ तो यही है हृदय में रहा करना। हृदय में यदि कपट नहीं है ना, तो भगवान वो बैकुंठ जैसा है, भगवान उसमें आके निवास करते हैं। भगवान साफ साफ कहते हैं, देखो मुझे कौन प्राप्त कर सकता है, जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा हो, बोले नहीं, जो बहुत बलवान हो, बोले नहीं, तो मिश्रा जी झाजी सिंह साहब की तरह बड़े कुल का हो, उच्च कुल का हो, बोले नहीं, तब भी नहीं योग्यता है, इससे भी योग्यता नहीं पूरी होती। महाराज अच्छे आयु का हो, 90-95 वर्ष का है, वृद्ध है, रिजर्वेशन है, 1/4 टिकट लगता है, बोले अब तो भगवान के प्रिय हो जाएंगे, नहीं। आयु वृद्ध होने से, धन में बड़ा होने से, कुल में बड़ा होने से, बल में बड़ा होने से, बोले ये सब संसार के काम का है। फिर भगवान को कौन प्रिय है, बोले महाराज जो सरल हो, निर्मल हो। भगवान को चतुर नहीं चाहिए, चतुरता संसार को चलाने के लिए चाहिए, भगवान को पाने के लिए तो निर्मलता चाहिए, सरलता चाहिए।